सिनेमा जगत की खबरों के साथ मैं श्रेया वेलकम करती हूं आपका ट्रैकिंग सिनेमा की एक और वीडियो में। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की पहली खबर से। उड़ते उड़ते खबर सुनने को मिली है कि टाइगर 3 में जूनियर NTR कैमियो करते नजर आने वाले हैं। इस बात को अभी सीक्रेट रखा गया है, पर स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से पता चला है कि टाइगर 3 के अलावा वॉर 2 में भी NTR हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो YRF का स्पाई यूनिवर्स नेक्स्ट लेवल पर हमें जाता हुआ नजर आएगा। चलिए अगली खबर पर आते हैं। शाहिद की हैदर फिल्म तो याद ही होगी आपको। फिल्म तो किसी को पसंद नहीं आई, पर शाहिद की एक्टिंग ने सबका दिल जरूर जीत लिया था अपनी शानदार एक्टिंग से। इस फिल्म से जुड़ा एक फैक्ट शाहिद ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस मूवी के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की थी और ये फिल्म शाहिद ने फ्री में की थी। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। चलो अच्छा है, उनके इस दरिया दिली से मेकर्स का कुछ तो घाटा कम हुआ। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। 2023 का दिसंबर मंथ मूवी क्लैश का मंथ बनते हमें नजर आ रहा है। इस महीने में बड़ी बड़ी मूवीज का क्लैश हमें देखने को मिलने वाला है। रणवीर की मच अवेटेड फिल्म एनिमल, SRK की डंकी, फिर उसके बाद प्रशांत नील की प्रभास के साथ सालार। इन सब बड़ी मूवीज के अलावा कैटरीना कैफ, विकी कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे स्टार्स भी अपनी मूवीज के साथ दिसंबर में एक दूसरे को टक्कर देते नजर आने वाले हैं। देखते हैं इन क्लैशेस में कौन सी मूवी कमाई करती है और किस फिल्म की लुटिया डूबती है। इसी के साथ अगली खबर पर मूव करते हैं। आशिकी मूवी के फैंस के लिए गुड न्यूज है। फिल्म मेकर्स ने आशिकी का थर्ड पार्ट अनाउंस कर दिया है और इस पार्ट में कार्तिक आर्यन के साथ तारा सुथारिया नजर आने वाली है। इस फिल्म को अनुराग बासु बना रहे हैं। सुनने को मिला है कि जैन के मंथ में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब अगली खबर आई है आमिर खान को लेकर। पिछले कुछ टाइम से काफी ट्रोल हुए हैं आमिर, और इसी वजह से लाल सिंह चड्ढा का हाल भी बेहाल रहा बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन आमिर के फैंस के लिए गुड न्यूज है, वो नेक्स्ट ईयर जैन से अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और सुनने को ये भी मिला है कि वो राजकुमार संतोषी के साथ नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं और इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल भी स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। लेट्स सी कैसा कमबैक रहता है आमिर का। क्या वो शाहरुख के जैसे धमाकेदार कमबैक कर पाएंगे बॉलीवुड में? नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप। लास्ट वीक की न्यूज देखने के लिए स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।